मंत्रालय का बड़ा फैसला, रेल हादसों में बड़ा फैसला, रेल हादसों का मुआवजा दोगुना, पीड़ितों को मिलेगा दोगुना मुआवजा। रेल हादसे में मारे जाने वाले परिवारों के लिए राहत की खबर है। रेल मंत्रालय ने रेल हादसों में मारे जाने वालों और घायलों के लिए मुआवजे की राशि 19 साल बाद दोगुनी करने का फैसला किया है। देश में रेल हादसों की घटनाएं आम होने के मद्देनजर मंत्रालय का ये फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। गौरतलब है कि पिछले महीने ही कानपुर ट्रेन एक्सीडेंट में 143 लोगों की मौत हो गई। दोगुने मुआवजे का फैसला 1 जनवरी 2017 से लागू हो जाएगा। इसके तहत रेल हादसों में मारे गए लोगों के परिवारों को अब 4 लाख की जगह 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गंभीर रूप से घायल, हाथ या पैर खो देने, अंधा हो जाने, चेहरे पर गंभीर चोट आने और पूरी तरह बहरा हो जाने वाले व्यक्ति को भी अब 4 लाख की जगह 8 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा अन्य 34 तरह के जख्मों के लिए मुआवजे की रकम 6,40,000 से 7,20,000 रुपए हो गई। रेल मंत्रालय ने गुरुवार को रेल दुर्घटनाओं को लेकर मुआवजे के नियम में संशोधन किया। साल 1990 में बना ये नियम इससे पहले 1997 में संशोधित किया गया था। रेल मंत्रालय के इस फैसले के पीछे बॉम्बे हाईकोर्ट के हालिया आदेश को भी वजह माना जा रहा है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि सरकार 1997 के बाद से बड़ी महंगाई के मुताबिक मुआवजे की रकम बढ़ाए और ये सुनिश्चित करे कि ये रकम वक्त पर पीड़ितों तक पहुंच जाए। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पिछले साल रेल मंत्रालय से रेल हादसों की मुआवजा राशि बढ़ाने को कहा। कोर्ट ने कहा था कि मंत्रालय ये देखते हुए मुआवजे की रकम बढ़ाए कि हवाई हादसों में मारे जाने वाले लोगों के लिए मुआवजे की राशि कितनी है। इसके बाद रेलवे का ये फैसला राहतों वाला है।